हेलो एवरीवन, हमारे चल रहे थे नेशनल पार्क। आज अपन पढ़ेंगे असम। असम के नेशनल पार्क के बारे में नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य कल अपन ने कवर करे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से आप जाकर उनको देख रहे हैं। आइए असम पे चर्चा को चालू करते हैं। वही रोज का हमारा पहला सवाल, असम में नेशनल पार्क की संख्या। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए पूरे असम राज्य में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है। तो लिखिए असम में नेशनल पार्क की संख्या है 7। 7 नेशनल पार्क है। कितने हैं? 7 नेशनल पार्क हैं। तो पहला सवाल आता है असम में नेशनल पार्क की संख्या। तो असम में कितने नेशनल पार्क है? 7 नेशनल पार्क है। आइए यहीं से चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं पहला नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत बार पूछता है काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अपन बताएंगे वह भारत के असम राज्य में स्थित है। इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? 1974 में। ठीक है, नोट डाल के लिखना, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर में यह शामिल है और 1985 में इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। यहां तक की बात क्लियर हो गई। विशेषता यहां पे लिखी है एशियन हाथी। एशियन हाथी हो गया, टाइगर हो गया, ये यहाँ की विशेषता है। तो देखो पहला पन्ने क्या पढ़ा, असम में नेशनल पार्क की संख्या 7 नेशनल पार्क है। पहला नाम पढ़िए काजीरंगा नेशनल पार्क, 1974 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। विश्व, दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा विश्व विरासत, यूनेस्को विश्व विरासत में स्थल शामिल है ये। 1985 में इसको विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया। और विशेषता क्या है? एशियन हाथी और टाइगर। आइए दूसरा नेशनल पार्क पर पढ़ेंगे मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क को 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। आइए नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क को सन 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, जिसके लिए आप इस्तेमाल करना यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। और कैप्ड लंगूर होते हैं वह यहाँ की विशेषता है। कैप्ड लंगूर यहाँ की विशेषता है। जो लंगूर देखे उनके बाल होते हैं जो आगे से, पहले 90s में छज्जे वाले बाल चलते थे स्टाइल वाले, वैसे ही उस टाइप में इनको कुछ होता है, तो उनको बोलते हैं एक टोपी जैसा, कैप्ड लंगूर बोला जाता है। आइए अब बढ़ेंगे, दोनों याद हो गए, काजीरंगा 1974, मानस 1990, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों विश्व विरासत में शामिल है। दोनों विश्व विरासत में शामिल है। आइए नंबर तीन पढ़ते हैं। नंबर तीन पे आता है नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है। आपको इसका नाम याद रखना है नामेरी नेशनल पार्क। इसको 1998 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। आइए अब लिखेंगे अपन चौथा नेशनल पार्क आज का। चौथा आता है औरंग नेशनल पार्क। कौन सा? औरंग नेशनल पार्क। इसको 1999 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तो अभी तक अपन ने 4 नेशनल पार्क पढ़ लिए। कौन कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को विश्व धरोहर में यह शामिल है। दूसरा अपन ने पढ़ा मानस, यह भी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। तीसरा अपन ने पढ़ा नामेरी, 1998 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और औरंग नेशनल पार्क, इसको भी 1999 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। अब अपन पढ़ेंगे पांचवा नेशनल पार्क। पांचवा नेशनल पार्क आता है डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क को कब राष्ट्रीय बनाया गया? 1999 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। डिब्रूगढ़ कहाँ है? डिब्रूगढ़ कहाँ है? आसाम में है। तो अपन यहाँ से याद रख लेंगे डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, यह तो आपको याद हो जाता है। आइए अब आता है नंबर 6 पे। नंबर 6 पे कौन सा आता है? रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना
नेशनल पार्क और रायमोनो को कब सन 2021 में नेशनल पार्क घोषित किया गया है? कब घोषित किया गया है? सन 2021 में। आइए और आज का हमारा लास्ट सातवा कौन सा हो जाएगा? सातवा हो जाता है देहिंग पटकाई। लिखिए देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, इसको भी सन 2021 में नेशनल पार्क घोषित किया गया है। नोट डाल के लिखिए परियोजना हाथी के तहत आरक्षित, परियोजना हाथी के तहत आरक्षित क्षेत्र है। और परियोजना हाथी कब लागू की गई थी? परियोजना हाथी 1992 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? सन 1992 में लागू की गई थी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, सन 1992 में लागू की गई थी। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रायमोना और देहिंग पटकाई, क्योंकि सन 2021 में इनो नेशनल पार्क बनाया गया था। तो देखो आइए रिवाइज करते हैं, आज अपन ने क्या पढ़ा। आज अपन ने चर्चा चालू की थी असम, असम में नेशनल पार्क की संख्या 7 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य है। आइए असम में अपन ने पहले पढ़ा काजीरंगा 1974 यूनेस्को विश्व धरोहर में, दूसरा पढ़ा मानस यह भी क्या है विश्व धरोहर में, तीसरा पढ़ा नामेरी नेशनल पार्क, चौथा पढ़ा औरंग नेशनल पार्क, पांचवा डिब्रू सखुआ यह भी आपको याद हो जाएगा, छठा पढ़ा अपन ने रायमोना नेशनल पार्क सन 2021 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, देहिंग पटकाई इसको भी 2021 में, और देहिंग पटकाई कहाँ है? परियोजना हाथी के तहत आरक्षित एक क्षेत्र है। परियोजना हाथी हाथियों से के संरक्षण के लिए यह योजना बनाई गई थी, और कब बनाई गई थी? सन 1992 में। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आपके साथ एक नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक चैनल को प्यार दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद।